हेलो एवरीवन, सो लेट्स सी अ नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच इज एग्जांपल नंबर 62. तो अब इसमें बोल रहा है कि अ रिएक्शन हैज केपी 0.33.33 एटीएम. तो केपी का वैल्यू 0.33 दिया है. ऑन डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर द रिएक्शन वुड बी, और बोल रहा है कि वॉल्यूम अगर मैं डिक्रीज कर दूँ कंटेनर का तो क्या होगा. मूव द रिएक्शन मूव फॉरवर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम और मूव रिवर्स टू रीच इक्विलिब्रियम और रिमेन इन इक्विलिब्रियम और कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. तो ये ऑप्शंस दिए हैं. तो सबसे पहले आई स्टार्ट, के पी इज 0.33 दिया हुआ है. तो अगर ये 0.33 दिया है तो इसका जो यूनिट है उससे क्या पता चलता है, उससे पता चलता है कि एटीएम मतलब न्यूमरेटर इज़ वन न्यूमरेटर का जो पावर है वो वन ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, राइट. बिकॉज के पी क्या होता है, के पी होता है पार्शियल प्रेशर का रेशियो. अब बोल रहे हैं कि ऊपर ए टी एम आ रहा है तो मतलब ये अगर पी क्यूब होगा तो ये पी स्क्वायर होगा, मतलब न्यूमरेटर इज़ वन पावर मोर देन द डिनोमिनेटर. तो व्हाट विल बी द रिएक्शन, तो ये तो हमारा प्रोडक्ट होता है और ये रिएक्टेंट होता है, राइट. तो आई कैन से दैट के पी शोज द यूनिट ऑफ के पी शोज दैट कि ये रिएक्शन एन ए गिव्स एन ए एन प्लस वन बी, इस टाइप की रिएक्शन है, राइट. बिकॉज अब इसमें अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लिखूंगा तो पी रेस टू एन प्लस वन लिखूंगा और एन और इधर पे बी का ए का क्या लिखेंगे, पी प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज रेस टू एन, बिकॉज उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एन प्लस वन और एन रहेगा, राइट. तो अब के सी का वैल्यू क्या होगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन उसका वॉल्यूम, राइट. वॉल्यूम मैंने वी मान लिया, तो मोल्स ऑफ दिस अपॉन वी इन रेस टू एन प्लस वन. और डिनोमिनेटर में क्या होगा, एन ए बाय वी रेस टू एन. तो वो जो नीचे का वी है वो ऊपर चले जाएगा, तो आई विल गेट द वैल्यू एज वी बाय एन ए रेस टू एन. तो अब मैं इसको मैनिपुलेट करूँगा तो आई विल गेट द आंसर एज एन बी रेस टू एन प्लस वन अपॉन वी इंटू एन ए रेस टू एन. तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि ऑन डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, अगर मैं इसमें वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डिक्रीज करूँ तो वैल्यू ऑफ क्यू सी इंक्रीजेस, मतलब ये जो वैल्यू है ये के सी दिया हुआ है. तो इससे अगर वॉल्यूम की वैल्यू कम करूँगा मैं तो द वैल्यू ऑफ के सी क्यू सी इंक्रीज हो जाएगी, राइट. क्यू सी क्या होता है, यही सेम चीज़ होती है, बट ये के सी की जगह हम क्यू सी लिखते हैं एट एनी जनरल पॉइंट. ओके, नाउ इंक्रीज हो जाएगी एंड द रिएक्शन मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. अब क्यू सी की वैल्यू बढ़ गई तो वो चाहेगा कि वापस से वो इक्विलिब्रियम पे आए, तो उसके लिए क्या होगा, रिएक्शन उल्टी चले जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगी. तो व्हाट विल बी द आंसर, आर आंसर विल बी बी, मूव इन रिवर्स टू रीच इक्विलिब्रियम, राइट. थैंक यू.